हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिल्डिंग डिजाइन सॉफ्टवेयर। तो आज हम इस वीडियो में सिंपल सोफा बनाना सीखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन, सो आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यूनिट सेट करने हैं। यूनिट सेटअप में आपको यहाँ पे फ्रैक्शन फीट रखना है। फिर सिंपल आपको बॉक्स ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ रहेगी 3 फीट, विड्थ भी 3 फीट एंड उसकी जो हाइट है वो 15x32 फीट। देन उसके जो सेगमेंट्स है वो 10-10 रखने हैं आपको। फिर हम इसको ये शेडेड विथ एजेस कर देंगे। इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट करना है एडिटेबल पॉली में। फिर आपको एज लेवल में जाना है, ये कॉर्नर के एजेस ऐसे सिलेक्ट करने हैं, ऊपर के भी कॉर्नर के और नीचे के भी कॉर्नर के, और उसको बोलना है लूप। फिर ऑपोजिट साइड भी सेम प्रोसेस करना है हमें, ऊपर के 2 कॉर्नर एंड नीचे के 2 कॉर्नर के एजेस सिलेक्ट करने हैं और उसको बोलना है लूप। तो नीचे और ऊपर का एक लूप तैयार हो गया है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड साइड का। उसको हम एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड का जो अमाउंट है वो हम 1x32 डालेंगे। 1x32 फीट, नीचे भी आपको सेम डालना है 1x32 फीट। देन वो होने के बाद फिर से हमें एज के ऑप्शन में ही जाना है। एज के ऑप्शन में नीचे कट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है कट। और यहाँ पे ऐसे हम ये ज्योमेट्री बना रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा, वो रियलिस्टिक दिखने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं जैसे मैट्रेसेस में रहता है उसके लिए। तो आपको सिंपली ऐसे ड्रॉ करना है कंटिन्यूएशन में और एंड में राइट क्लिक करके उसको क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए उसको राइट क्लिक है। यहाँ पे नीचे भी हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। देन वर्टेक्स लेवल में जाना है। फिर यहाँ पे ऊपर के वर्टेक्स दोनों सिलेक्ट करने हैं और उसको थोड़ा सा ऐसे मूव करना है। फिर नीचे के भी वर्टेक्स ऐसे 2 सिलेक्ट करने हैं और उसको थोड़ा डाउनवर्ड साइड में ऐसे मूव करना है। फिर ये होने के बाद यहाँ पे मॉडिफायर लिस्ट में हमें मॉडिफायर अप्लाई करना है, टर्बो स्मूथ। टर्बो स्मूथ मॉडिफायर से क्या हो जाता है, स्मूथनेस आ जाती है ऑब्जेक्ट को, उसके जो सेगमेंट्स है उसका लेवल बढ़ जाता है। यहाँ पे इटरेशन जो है उसकी वैल्यू हम 1 या 2 कर सकते हैं, 2 से 3 से, उसके जो सेगमेंट्स है वो ज़्यादा बढ़ेंगे वो ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। अभी हम इनिशियली 1 ही रखते हैं। फिर उसके बाद हमें क्लोथ मॉडिफायर अप्लाई करना है। पहले हमने टर्बो स्मूथ का किया, अभी क्लोथ का मॉडिफायर अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाना है हमें, बॉक्स को सिलेक्ट करना है, उसको बोलना है क्लोथ। और यहाँ पे आप कौन सा भी मटेरियल मतलब क्लोथ का ऑप्शन डाल सकते हो, कॉटन, फ्लैनल या रबर, सैटिन, सिल्क। तो अभी मैं कॉटन ले रही हूँ। तो आपको सिलेक्ट करके खाली यहाँ पे क्लोथ करना है और कॉटन सिलेक्ट करना है, ओके। देन यहाँ पे आपको सिमुलेट लोकल पे क्लिक करना है। इससे क्या हो जाएगा, ये जो है उसमें वेट गेन हो जाएगा, वो फूल जाएगा पूरी तरीके से, जैसे मैट्रेसेस रहता है फूला हुआ, उसमें एक वेट गेन हो जाएगा, प्रेशर आ जाएगा उस पर। सिमुलेट लोकल पे आपको क्लिक करना है और वो ऐसे वेट गेन हो रहा है, उसको ग्रेविटी मिल रही है इसलिए वो नीचे नीचे जा रहा है। तो आप देख सकते हो चेंज, तो वो ऊपर से उसका जो पार्ट है वो फूल गया है। तो ये सिमुलेट लोकल पे क्लिक करना है और फिर जितना चाहिए उतना
वहाँ तक आपको नीचे से स्टॉप करना है। जितना आप उसको वेट गेन देना चाहते हो, फूलना चाहते हो, उतना आप यहाँ से कर सकते हो सिमुलेट लोकल पे क्लिक करके, एंड देन आपको स्टॉप करने के लिए फिर से उसी पे क्लिक करना है। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो इसको आ गया है वेट, आप देख सकते हो फोर साइड से, और चाहिए तो और भी आप कर सकते हो। तो इसका पिवट पॉइंट के लिए हायरार्की पैनल में अफेक्ट पिवट ओनली सेंटर टू ऑब्जेक्ट कर लेंगे हम। तो ये एक हमारा मैट्रेसेस बन गया, इसी से हम बाकी के मैट्रेसेस बनाएंगे, यानी कि सोफा के लिए यही वाला एक यूज करेंगे। तो इसको शिफ्ट की होल्ड करके उसको इंस्टेंस बोलना है। कॉपी में क्या हो जाता है, अगर कॉपी किया तो उसका जो मॉडिफायर है क्लोथ और टर्बो स्मूथ वो निकल जाता है, इसलिए आपको इंस्टेंस करना पड़ेगा। फिर ऐसे ये पीछे के साइड के लिए उसकी भी एक इंस्टेंस करना है आपको। फिर हम ये फोर व्यूज में अच्छे से देख सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट करना है, एडजस्ट करना है प्रॉपर फोर व्यूज में। फिर यहाँ पे नीचे और उसके बैक साइड में सपोर्ट के लिए हम चेम्फर बॉक्स यूज करेंगे। तो ऐसे उसके पैरामीटर्स थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। जेनुसी की और एक कॉपी ले लेंगे और उसको पीछे के साइड एडजस्ट कर लेंगे। फिर साइड सपोर्ट के लिए इसकी और एक कॉपी हम ले लेंगे। फिर उसको हम थोड़ा स्केल कर लेंगे, जेड डायरेक्शन में नीचे की तरफ ऐसे स्केल करना है, एंड उसका मिरर कर लेंगे हम ऑपोजिट साइड में। तो ये बन गया हमारा सोफा। अभी यहाँ पे लेग्स बनाएंगे हम, उसके लेग्स के लिए यूज करेंगे बॉक्स। बॉक्स या सिलेंडर कुछ भी आप यूज कर सकते हो, बॉक्स या सिलेंडर कोई भी आप यूज कर सकते हो। हम अभी इसके लेग्स बना रहे हैं। तो ये हो गए हमारे फोर लेग्स, और इन सब का भी हम कलर चेंज कर लेंगे। तो ये बन गया हमारा सोफा सेट। तो आप देख सकते हो ये जो हमने कट से बनाए थे, तो ये इस प्रकार अभी दिख रहा है, थोड़ा सा रियलिस्टिक इफेक्ट दिख रहा है जैसे मैट्रेसेस में रहता है। तो
तो अभी हम इसको रेंडर कर सकते हैं, रेंडर करके आप पूरी तरीके से देख सकते हो। सो दोस्तों, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टाटा।